ये मैं पहुंच गया हूँ शहीनों के शहर सरगोधा में, और यहाँ पर आज रात का मेरा स्टे होगा रॉयल होटल में। ये बिल्कुल शहर का जो मेन बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड, उसके साथ है। और अभी चलते हैं आगे शहर की तरफ और आपको दिखाते हैं शहीनों का शहर। होटल से निकलते साथ ही रोड के ऊपर ये भाई साहब मिले हैं, उन्होंने मुझे कहा जी आए हमारे साथ चाय पिए, लाजमी पिए, हमने ऐसे जाने नहीं देना। गर्मी में मैं चाय पीता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि चाय बहुत अच्छी है यहाँ की, तो मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई करें। चाय वाकई में अच्छी है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये बिल्कुल जो सरगोधा का लारी अड्डा है, वहाँ पर कैंटीन नंबर 3 है, और यहाँ पर जो है सदाम टी स्टॉल है। भाई ने अर्तुगुल और तुर्गुद की तस्वीर लगाई हुई, मैं भी उसका फ़ैन हूँ और ये भाई भी उसके फ़ैन है। और ये जो भाई है बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, आप भी सरगोधा में आए तो ज़रूर ट्राई करें। सरगोधा के यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर आपको हर किस्म का ब्रांड मिलेगा। यहाँ पर अल्फतेह का स्टोर भी मौजूद है, और ये यूनिवर्सिटी रोड जो है वो N60 जो मेन रोड है वो भी ये कहलाता है। सरगोधा एक बेसिक सा शहर है, लेकिन यहाँ पर हर किस्म का ब्रांड मौजूद है। जे डॉट आउटफिटर्स, और इसके अलावा ये है जी माल ऑफ सरगोधा, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के मराहल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई हुई है। सरगोधा में एक जॉयलैंड भी मौजूद है जिसका नाम है मॉडल मार्ट, और ये सरकारी जॉयलैंड है, गवर्नमेंट जॉयलैंड है, और ये है यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो कि एक फैमिली पार्क है। सरगोधा की एक बहुत ही मशहूर और मरूफ पार्क कंपनी बाग, बिल्कुल बागे जना की तरह का इसका भी गेट बना हुआ है। अंदर चलते हैं देखते हैं, और ये है कंपनी बाग का सरगोधा मैप। कंपनी बाग में 1965 टाइम्स का जो है वो तैयारा नस्ब किया गया हुआ है MM आलम की याद में। कंपनी बाग बहुत ही खूबसूरत और मरूफ पार्क है सरगोधा की, और यहाँ पर बहुत से लोग आराम के लिए, रेस्ट के लिए आते हैं। अभी कुछ लम्हे पहले बहुत ही शिद्दत के साथ गर्मी थी, धूप थी और पसीने आ रहे थे, लेकिन अभी बादल बहुत खूबसूरत आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि बारिश भी आ जाए। ये मैं आ गया हूँ सरगोधा शहर, शहीनों के शहर के बिल्कुल सेंटर में, और ये है शहीन चौक। इस शहर को शहीनों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1965 की जंग के हमारे हीरो MM आलम, जिनका तल्लुक सरगोधा से था, और उन्हीं की याद में यहाँ पर ये शहीन नस्ब किया गया है, और इस शहर के इस चौक को नाम दिया गया है। आज के टाइम में हमारी कौमी टीम के शहीन मोहम्मद हफीज़ का ताल्लुक भी इसी शहर सरगोधा से है। ये है शॉपिंग के लिए कचहरी बाज़ार सरगोधा, और इसके बिल्कुल एंड पे है गोल मस्जिद, जो कि एक तारीखी मस्जिद है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।